ना, ये देखिए अब हम लोग क्या बात करें स्टेज टू का। स्टेज टू में आप लोग बताएं टोटल आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज टोटल आउटपुट। नहीं, इन्फ्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता, इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है उसी को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, ठीक है। डिक्रीज, अरे कांस्टेंट, डिक्रीज कांस्टेंट हुआ, क्या बात है, वंडरफुल, आई वाज वेटिंग फॉर दिस रिप्लाई, डिक्रीज एंड कांस्टेंट, ओके नाइस, बहुत लोगों ने बताया डिक्रीज एंड कांस्टेंट, यही तो मैं चाह रहा था। राइट, अब आप ये देखिए, ये आपका स्टेज टू है, टोटल प्रोड्यूस क्या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कब होगा, जब आपका मार्जिन प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा तब डिक्रीज होगा, ये तो इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन आप यहाँ पे देखें, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न के केस में भी आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 10 चेयर प्रोड्यूस हुआ, फिर 25 चेयर प्रोड्यूस हुआ, फिर 37 चेयर प्रोड्यूस हुआ, फिर 47 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 60 हुआ, 63 हुआ, फिर 63 हुआ, तब जाके 62 हो रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न के केस में भी आपका जो टोटल प्रोड्यूस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला गलती आप लोग यहाँ पे किए हैं, जिसने भी डिक्रीज बोला और जिसने भी कॉन्स्टेंट बोला, सर इंक्रीज लिखा था सर। बहुत लोगों ने डिक्रीज दिखा था, ठीक है, जिसने इंक्रीज बताया वो तो सही है, जिनने डिक्रीज बताया उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए तो टोटल आउटपुट इंक्रीज, अब आप ये बोलिए एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज अरे प्लीज हो माइक ऑन ना करें प्लीज, इंक्रीज सर चेयर डिक्रीज थोड़ा डिक्रीज 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 इंक्रीज, एक ने बताया इंक्रीज, दो ने बताया इंक्रीज, इंक्रीज बट रिमेंस इसने, मीर नासिर आपने बहुत सही बताया, एवरेज प्रोडक्ट होगा ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट मैंने बताया ना कि एवरेज प्रोडक्ट, अब आप फिर से वो देखिए चार्ट देखिए, आज आपको मैं याद करवा के ही जाऊंगा क्लास से, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है ना, इस केस में एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है तो मार्जिन प्रोडक्ट तो डिक्रीज होगा ही, बट उसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इफ वी से दैट एमपी जीरो, व्हाट विल बी टोटल प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट, आमीन आप बहुत आगे बढ़ चल रहे हैं, मैं आ रहा हूं, आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका आप रिप्लाई करें ना। और ये बताएं एपी और एमपी में क्या रिलेशन होगा स्टेज टू में, कौन बड़ा होगा, एपी बड़ा होगा एमपी बड़ा होगा, विच विल बी ग्रेटर एपी और एमपी, बड़ा एपी 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 ग्रेटर, वेरी गुड वंडरफुल, और यहाँ पे ठीक है इतना समझ गए, अब हम स्टेज थ्री का बात कर रहे हैं, स्टेज थ्री में आप बताइए टोटल आउटपुट क्या होगा, डिग्री डिक्रीज, वंडरफुल, स्टेज थ्री ऑलवेज रिमेम्बर टोटल आउटपुट डिक्रीज 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 सेम, अरे सेम किसने बता दिया भाई, जावेद मलिक, सेम कैसे, इट विल बी डिक्रीजिंग नॉट सेम, ओके फिर मैं आपसे पूछूं एपी पे क्या असर होगा, सर एपी डिक्रीज होगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट से बड़ा होगा। एपी निगेटिव होगा, विल एपी बी निगेटिव, यस और नो, नो नो सर नो नो सर नो नो नो, ठीक है। अब मैं एक और हेलो चीज पूछ रहा हूँ, सर प्लीज आप लोग सब सर माइक ऑफ कर लें सर प्लीज, हेलो हेलो सर 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 हेलो सर आई हाँ यहाँ रिक्वेस्ट पर यू, बहुत सारे मतलब
सर आई रिक्वेस्ट यू आप लोग प्लीज माइक ऑफ कर लें। आप लोग सबको माइक ऑफ करें, वरना पता है मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो मैं इस तरीके से पढ़ाना आप लोगों को बंद कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा ग्राफ लेके आऊंगा, ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आपको समझ आए ना आए, दैट विल बी नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज माइक ऑफ कर ले, मैं आपके लिए इस तरीके से कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो? इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है? नहीं, आपको फायदा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास होने के बाद आपको थोड़ा देर, अगर आप आधे घंटे भी रिवीजन कर पाओगे ना तो इट्स वंडरफुल, आपको सारे इकोनॉमिक्स का सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन में मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ लेक्चर देख के चला जाऊंगा। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आप बताएं स्टेज थ्री में मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बस मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर दे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, सबका आ गया, करेक्ट है। आई थिंक जो भी निगेटिव सोच रहे हैं या जो भी निगेटिव बता रहे हैं सबका करेक्ट है। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ को। वेट, ये आपका आउटपुट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक स्टेज, यहाँ तक एक स्टेज, इसको हम एन नाम दे देते हैं, ये दूसरा स्टेज, यहाँ पे एम नाम दे देते हैं। ये आपका स्टेज वन, ये फिर आपका स्टेज टू, और ये आपका स्टेज थ्री। यहाँ पे तीन ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, टोटल प्रोड्यूस, मार्जिनल प्रोड्यूस और एवरेज प्रोड्यूस, इस तीन की बात करेंगे। ठीक है, किसी का माइक फिर से ऑन हो गया है, प्लीज ऑफ कर लें। यहाँ पे तीन ग्राफ की हम लोग बात करेंगे, तीनों ग्राफ का ओरिजिन क्या होगा? तो तीनों ग्राफ का ओरिजिन जीरो से होगा, ठीक है, तीनों ग्राफ का ओरिजिन जीरो से होगा। यहाँ पे एन पॉइंट पे आपका स्टेज वन ओवर होगा, एन इज द एंड पॉइंट ऑफ स्टेज वन। तो स्टेज वन ओवर होने पे आप यहाँ पे बताएं कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो स्टेज वन ओवर होने से जस्ट पहले वो मैक्सिमम पे आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो कुछ मेरा मार्जिन प्रोडक्ट ऐसे बनेगा और फिर यहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और मार्जिन प्रोडक्ट कब तक डिक्रीज होगा? स्टेज टू के एंड तक वो पॉजिटिव रहेगा, स्टेज टू के एंड पे वो जीरो हो जाएगा और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का। आप लोग ये बताएं, मार्जिनल प्रोडक्ट का जो ग्राफ मैं भी बनाया हूँ, स्टेज वन के एंड होने से जस्ट पहले मार्जिनल प्रोडक्ट अपने पीक पे रहता है। इसी पॉइंट को, जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पीक पे रहता है तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेज टू के एंड तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाता है और स्टेज थ्री में एंटर करते मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा ग्राफ ले रहे हैं जो कि एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? तो स्टेज वन में आपका, जैसे यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बना ले, इसको डिमार्केट कर देते हैं, ये आपका स्टेज वन की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी स्टेज टू की बात हो रही है, और ये आपका स्टेज थ्री हो गया। तो स्टेज वन में आपका जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट से छोटा होगा। तो स्टेज वन तक आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट से छोटा होगा।
तो यहाँ पे और स्टेज टू में जैसे ही एंटर करेगा आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो इस पॉइंट पे आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं से मुड़ जाएगा, वेट ये थोड़ा सा ऐसे करो, ये ग्राफ कुछ ऐसा आके यहाँ से ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। अब किसी एक स्टूडेंट का डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जिसने ये पूछा था कि सर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। यस, वो पॉइंट कौन सा होगा? द एंड ऑफ स्टेज वन एंड द बिगनिंग ऑफ स्टेज टू। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि स्टेज वन तक में एवरेज प्रोडक्ट हमेशा आपका मार्जिन प्रोडक्ट से छोटा होगा, और स्टेज टू में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और मार्जिन प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आपका नहीं, इस पॉइंट की कोई नाम नहीं है। अब हम लोग थर्ड ग्राफ की बात कर रहे हैं। स्टेज टू में भी आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता रहेगा और स्टेज थ्री में भी डिक्रीज होता रहेगा एवरेज प्रोडक्ट, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब हमारा थर्ड ग्राफ है जो कि टोटल प्रोड्यूस। टोटल प्रोड्यूस आप बताइए कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, तो यहाँ तक तो आपका नेचर एक जैसा चलेगा, इंक्रीजिंग टाइप, ठीक है, बट इसके बाद ग्राफ जो होता है ना, इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आके अपना नेचर चेंज कर लेता है। लेकिन नेचर चेंज करने के बाद भी ये ग्राफ आपका मैक्सिमम किस पॉइंट तक जाएगा? तो मैक्सिमम स्टेज थ्री के स्टार्टिंग तक, और स्टेज थ्री के एंड स्टार्टिंग के बाद जैसे ही स्टेज थ्री में एंटर करेगा, ये आपका टोटल प्रोड्यूस का जो ग्राफ होगा ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा सर। बट इन टेबल इट हैज नॉट बिकम इक्वल। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हम टेबल की बात कर रहे हैं, ये टेबल क्या है? बाइनरी नंबर्स में टेबल है, 1 2 3। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे तीन नंबर, यहाँ पे चार नंबर, बट ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस होगा ना, तो इसलिए आप हर कुछ टेबल में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, तो इसलिए आप उस टेबल से हर कुछ नहीं पता कर सकते हैं ये टेबल कैसा है। जैसे कि ये टेबल इस तरीके का है, जब आप एक यूनिट लेबर को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 30 यूनिट हुआ। वेट, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, मैं सबका आंसर दे रहा हूँ। 2 यूनिट लेबर को आप जब लेके आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 10 यूनिट था, 2 यूनिट लेबर को लेके आ रहे हैं तो ये कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। जब 3 यूनिट लेबर को लेके आ रहे हैं तो ये 37 यूनिट हो गया। अब आप 25 से 37 के बीच में, ये तो आपका डिस्क्रीट ग्राफ हो गया ना, एक यूनिट पे 10 है, 2 यूनिट पे 25 है, तीसरा यूनिट पे 37 है, तो आप इस ग्राफ को आपस में कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं। तो इसलिए इस ग्राफ को जब आप कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं ना, तो नेचर चेंज होता है। जैसे अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊं, जैसे यहाँ पे 2 यूनिट पे आपका मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो 15 है और तीसरे यूनिट पे 12 हुआ, तो 15 से 12 हुआ है ना, तो कहीं तो अब 15 से 12 आप कैसे पहुंचेंगे? एक जगह पे आपका 15 है और एक जगह पे आपका 12 है, तो 15 से 12 आप कुछ ऐसे ही पहुंचेंगे ना। तो इसी जगह पे कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे एवरेज प्रोडक्ट आपको यहाँ पे काटता हुआ निकल जाएगा। तो ये ग्राफ उस दिन भी, मैं जब 11:30 सवा 11 बजे जब ऑनलाइन आया था, तो उस समय भी काफी स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन पूछा था। उस समय मैंने सबको यही चीज एक्सप्लेन किया था कि ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है इसलिए ऐसा होता है। आई थिंक कि अब मैं क्लियर हूं सबके लिए, ठीक है। अब आप सर सर क्वेश्चन इस तरह है, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने डिनोट किए ना हाँ सर, हम इस पे देखते हैं टोटल प्रोडक्शन कितनी है। जो ये सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये हम टोटल प्रोडक्शन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टोटल प्रोडक्शन पे ही तो मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके वेट, अब आपको मैं ये अब यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या लिखा है ग्राफ आप एक बार पढ़ते जाएं। सर इज इट मैंडेटरी दैट एमपी बिकम्स 0 इफ
इट डज नॉट बिकम जीरो देन व्हाट विल बी केस, जब तक एमपी जीरो नहीं होगा तब तक आपका स्टेज टू चलते रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका एमपी जीरो होगा, वही तो स्टेज टू का एंड होगा। ये देखिए स्टेज वन, स्टेज वन में आपका टोटल आउटपुट कंटिन्यूअसली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से पहले ही नेगेटिव हो जाएगा। जीरो से पहले नेगेटिव एमपी कैसे हो सकता है? जीरो होगा तभी तो नेगेटिव होगा। प्लीज टेबल एक बार दिखाइए। जीरो से पहले एमपी नेगेटिव कैसे हो सकता है? जब जीरो होगा तभी तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए जीरो के बाद ही तो नेगेटिव होगा। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम टीपी पे देखिए, यहाँ पे 63 हुआ है। अगर 63 होता डायरेक्टली प्रोडक्ट 63 to 62, अगर 63 नहीं होता नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है। नहीं ऐसे नहीं होता है। एक टाइम पे आपका मार्जिन प्रोडक्ट पहले जीरो होगा तभी वो निगेटिव होना स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉर्म ऐसे नहीं चलता है कि अभी आपका तुरंत में डिमिनिश हुआ और तुरंत में आपका निगेटिव पे पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं चलता है फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग इतना समझ गए हैं, दो मिनट और पेशेंस दिखा दे, इसको मैं एक बार पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट, ये देखिए थ्री स्टेजेज है यहाँ पे आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। स्टेज वन, स्टेज वन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, तो सही बात है टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो आप ये बताइए कि एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होगा, तो यह सही बात है एवरेज प्रोडक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एमपी रीचेज पीक एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग बट रिमेन्स अबव एपी, इट मीन्स दैट एपी विल कट एमपी फ्रॉम बिलो। अरे किसने ये पूछा? आई मीन दिस मीन्स दैट एपी विल कट एमपी फ्रॉम बिलो सर। हाँ अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं वही बताने ही जा रहा हूँ। ठीक है, वेट, सही बोल रहे हो आपने। आप एक में दो मिनट आप पेशेंस दिखाए ना, वैसे यहाँ पे आप लोग आधा समझ चुके, आधा से ज्यादा समझ चुके, दो मिनट आप पेशेंस दिखाए सब कुछ समझ जाओगे आप। सर दो मिनट वेट, मेरी दो मिनट बात सुनो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दो मिनट वेट कर लो। टोटल आउटपुट यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ, एपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे आप देखिए एपी आपका इंक्रीज हो रहा है। एमपी रीचेज पीक एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बट रिमेन्स अबव एपी, तो मैंने बताया ना कि एमपी जो होगा वो आपका जस्ट एट बिफोर द एंड ऑफ स्टेज वन वो आपके पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद वो वहां से डिक्रीज होना शुरू होगा, लेकिन फिर भी तब तक एपी जो होगा वो छोटा ही होगा एमपी से। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे स्टेज वन का एंड होगा, उस पॉइंट पे क्या होगा कि एपी विल कट एमपी फ्रॉम बिलो। जो आमीन आपने पूछा बिल्कुल करेक्ट पूछा, एपी विल कट एमपी फ्रॉम बिलो। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका स्टेज वन एंड हो जाएगा। टिल द टाइम एमपी इज मोर देन एपी, एपी विल इंक्रीज, जब तक एमपी एपी से ज्यादा रहेगा एपी इंक्रीज करता रहेगा। कि क्या इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है कि जब तक एमपी इज मोर देन एपी एपी विल इंक्रीज, इसका ये मतलब हो रहा है कि जब तक एमपी इंक्रीजिंग होगा एपी आपका बढ़ता रहेगा। क्लियर? अब सेकेंड स्टेज, टोटल आउटपुट इंक्रीज, तो आप देखिए कि टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सेकेंड स्टेज में भी। एपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अब आप जैसे ही सेकेंड स्टेज में पहुंचेंगे आपका एपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो एपी आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ है। मार्जिन प्रोडक्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड कम्स बिलो एपी, मार्जिन प्रोडक्ट आपका जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन वो एपी के अब नीचे आ जाएगा, लेकिन स्टेज टू के एंड तक मार्जिन प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना मार्जिन प्रोडक्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड कम्स बिलो एपी बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखिए मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एपी के नीचे आ गया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कब होगा? स्टेज टू के एंड तक, लेकिन तब तक वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यही लिख रहा है बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, और एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे जैसे ही आप स्टेज टू में एंटर करते हैं, इसी स्टेज टू में एंट्री के समय में क्या होता है, एमपी जो है वो एपी को काट रहा है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे। अब थर्ड स्टेज में आप बताइए कि टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? सर एपी कट कर रहा है ना हाईएस्ट पॉइंट पे, एमपी का कर रहा है। हाँ एपी, वो एपी का हाईएस्ट पॉइंट है, वही बोल रहा है एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट।
वो एपी का हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद एपी आपका डिक्रीज होने लग रहा है ना, स्टेज वन के एंड तक आपका एपी इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपका एपी डिक्रीज हो रहा है, तो एपी का हाईएस्ट पॉइंट कौन होगा? द बिगिनिंग ऑफ स्टेज टू, ठीक है? इसलिए यहां पे लिखा है एपी कट्स, एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, स्टेज टू में एपी और एमपी दोनों ही डिक्रीज करेगा। ओके, वन क्वेश्चन रिमेन्स सर, दैट इफ एमपी विल बी जीरो, व्हाट विल बी टोटल पॉइंट? हाँ, अभी मैं उसी पे आ ही रहा हूँ। अब स्टेज थ्री में जैसे ही मैं घुसा, उसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। टोटल आउटपुट डिक्रीज, टोटल आउटपुट कब डिक्रीज होगा? जब आपका एमपी जीरो होगा, तभी तो आपका टोटल आउटपुट डिक्रीज होना शुरू होगा। और इसी पॉइंट पे जब आपका एमपी जीरो होता है, इसी पॉइंट पे आपका जो टोटल आउटपुट होगा ना, वो आपका मैक्सिमम होगा। तो आप ग्राफ देखिए एक बार, आपको पता चलेगा। स्टेज टू का एंड और स्टेज थ्री का स्टार्टिंग, ये एम पॉइंट जो है ये क्या है? इस पॉइंट पे आप ये बताइए कि टोटल प्रोड्यूस मैक्सिमम है कि नहीं। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? कि उस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उस पॉइंट तक तो वो मैक्सिमम है ना। तो ये एच पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका टोटल प्रोड्यूस क्या है? मैक्सिमम हो। और ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? जब आपका एमपी जीरो हो रहा है। जैसे ही आपका एमपी डिमिनिश निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, आपका टोटल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सर कैन वी से इन स्टेज फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड इन स्टेट टू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। एकदम बोल सकते हैं आप, एकदम सही बोला आपने। यहाँ पे इनफैक्ट आप इस स्टेज के बाद बोल सकते हैं, ये जो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हो ना, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट तक जो आपका जो टोटल प्रोडक्ट होता है ना, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, लेकिन आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो क्या हो जाता है? डिमिनिशिंग रेट से वो इंक्रीज करता है। मिराज लोन, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। यू हैव शोन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन टोटल प्रोडक्ट नॉट इन एमपी। यही यही जो पॉइंट है ना, इसको ना, इफ योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एक्चुअली टोटल प्रोडक्ट पे ही शो किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद से नेचर जो अपना कर्व का जो नेचर होता है वो चेंज करता है, वो अपना कर्वेचर चेंज करता है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता कहाँ से है? तो ये जब एमपी जब अपने पीक पे होता है, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसी पॉइंट को उस वो पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे नेचर अपना कर्व चेंज कर सकता है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं ना, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? तो ये जस्ट बिफोर द एंड ऑफ स्टेज वन। अगर इसको एंड डैश के नाम से आप बोलेंगे कि एंड डैश इज द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, इस पॉइंट पे आपका एमपी हाईएस्ट है और इसी पॉइंट से आपका जो टोटल प्रोड्यूस है यहाँ पे अपना नेचर चेंज करना शुरू कर दिया है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग ये बताएं कि ये ग्राफ आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो क्लियर जिसको अभी भी डाउट हो इस चीज में, सर। डाउट है? हाँ, चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।